सो दोस्तों, यूं तो आप लोगों ने जो है बहुत सारे बैंक से आप लोगों ने पर्सनल लोन अप्लाई किया होगा, और आप लोगों को भी पता है कि आज की डेट में पर्सनल लोन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप लोग सही से उसको फॉलो करते हो। अगर आप सही से सारे तरीके को बताए गए तरीकों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग में से सभी लोग जो है पर्सनल लोन को ईजिली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात ही यही आ जाती है कि लोगों को सही से पर्सनल लोन अप्लाई नहीं कर पाते हैं वो लोग, और जिसकी वजह से उनका पर्सनल लोन अप्लाई नहीं हो पाता। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज मैं आपको पर्सनल लोन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है वो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन पे, कि आप लोग पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो और वो भी जो है एक ट्रस्टेड बैंक के थ्रू कैसे पर्सनल लोन ले सकते हो। वरना तो आपको पता है कि यूं तो आपको एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट या फिर बहुत सारे ऐसे जो है फाइनेंस प्लेटफॉर्म है जो कि प्राइवेट तौर पर भी काम करते हैं, जो कि आपको जो है लोन देने का पूरा वादा करते हैं। लेकिन अगर बात आती है बैंक्स की, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म कोई है नहीं, क्योंकि जनता भी बैंक्स पर ही जो है अपने सारे पैसों को सेव करती है, बैंक्स के अंदर सेव करती है, और कहीं ना कहीं हर साल का जो है उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसकी वजह से उनको इस चीज़ का बिलीव रहता है कि बैंक जो है उनके साथ कभी भी जो है कह सकते हैं कि विश्वास हमेशा बना रहता है बैंक के साथ इनका। अब ऐसे में बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपको कभी बैंक्स के फैसिलिटीज़ को यूज़ करना हो या फिर बैंक के लोन सर्विसेज को यूज़ करना हो, तो लोगों को सही से तरीका पता नहीं होता जिन तरीके को फॉलो करके वो लोग बैंक से ही जो है पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके को सही से बताना हमारा काम है, लेकिन आपका काम है कि इस बताए गए सभी तरीके को ढंग से फॉलो करना, और सभी तरीके को अगर आप लोग ध्यान से फॉलो करते हो, जो बताए गए सारे तरीके को प्रैक्टिकल प्रोसेस करते हो, डेफिनेटली आप लोगों को पर्सनल लोन मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूको बैंक, जो कि इंडिया का एक काफ़ी ट्रस्टेड बैंक है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के इसमें अकाउंट है, तो आप लोग यूको बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ये सवाल पक्का आएगा कि यूको बैंक में बहुत ज़्यादा लोगों का अकाउंट होगा भी एंड बहुत ज़्यादा लोगों का अकाउंट नहीं भी होगा। एक एग्जांपल के तौर पे इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर व्यूवर्स यूको बैंक से लोन लेना चाहते हैं जो कि देख रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जिनका अकाउंट यूको बैंक में नहीं होगा तब भी वो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप लोग यूको बैंक से लोन नहीं ले सकते हो अगर आपका अकाउंट नहीं है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो न्यू कस्टमर है उनको क्या करना होगा यहाँ से लोन लेने के लिए, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके लिए तो ये वीडियो बनाई जा रही है। बस एक ही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोसेस की भरमार है, जो कि मैं आपको बारीकी से बताऊँगा। तो पहले आपको वीडियो को वॉच करना है, उसके बाद सभी प्रैक्टिकल प्रोसेस को फॉलो करना है, और कोई भी सवाल या फिर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं तो यहाँ पे आपके लिए खड़ा हूँ ही। साथ ही में अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार इस वीडियो को वॉच करें, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तीन काम कर सकते हो, जिससे हमें कहीं ना कहीं फीडबैक मिलेगा कि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज बना सके। इसी के साथ में आप लोग जो है नीचे कॉमेंट बॉक्स पर आना है, आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से आप लोग वीडियोज वॉच कर रहे हो, और साथ में आपके लोन लेने का एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप लोग यूको बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत बहुत सिंपल स्टेप है। स्टेप नंबर वन ये है कि आपको ये जो वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल देखने को मिलता है, इस टाइटल पे आप लोगों ने तो क्लिक करना है। टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जहां पे आपको ये जो वेबसाइट लिंक देखने को मिल रही है, जिसको मैंने फिलहाल अंडरलाइन किया है। आप लोग जब वेबसाइट में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, तो वहां जो वेबसाइट लिंक है थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहां पे डिटेल्स के बाद देखने को मिलेगा, आपको वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक जो है आपके ऑटोमेटिक गूगल के वेब ब्राउजर से रीडायरेक्ट हो जाएगी, यानी कि गूगल के वेब ब्राउजर से वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी, और आप लोगों के सामने सेम एज ऐसा पेज आएगा जो कि आप देख सकते हो। तो ये आपके सामने आ जाएगा loanpower.in के ऑफिशियल साइट का गूगल का सर्च रिजल्ट, और यहाँ पर जो आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल रही है loanpower.in करके, सिंपली सा आपको इसी वेबसाइट पर विजिट करना है। इसका रीजन क्या है ये मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, और इसका मैं पूरा क्लियर कट आंसर बताऊंगा कि आपको इस वेबसाइट पर विजिट क्यों करना है और क्यों इंपॉर्टेंट है यूको बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करना। तो आपका पहला स्टेप ये है। अब हम लोग सेकंड स्टेप की बात करते हैं, तो आप लोगों के फोन में जो भी कोई ब्राउजर है आप उसको सिंपली उसको ओपन करना है। जैसे आप लोग अपने फोन के किसी ब्राउजर को ओपन करते हो, गूगल का वेब सर्च इंटरफेस या फिर कह सकते हो गूगल का आप लोग जो सर्च बार कहते हो वो खुल के आ जाता है, जहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करने के साथ ही मैं जो आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जाकर के आप लोग सिंपली सर्च करो, इस कीवर्ड का नाम है loanpower.in। गूगल के वेब ब्राउजर में जैसे ही आप लोग इस कीवर्ड को सर्च करोगे, आपके सामने गूगल का सर्च रिजल्ट आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार जो यहाँ पे यूजर जो इस व्यूवर्स जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कहीं वो लोग सर्च बार में इस चीज़ को सर्च करने में गलती ना करें, तो जिस तरीके से मैंने loanpower.in लिखा है वैसे ही आपको एग्जैक्टली यही कीवर्ड सर्च करना है, और सर्च करने के बाद जो गूगल का सर्च रिजल्ट आ रहा है सिंपली आपको इस वेबसाइट पे कर देना है क्लिक। तो वेबसाइट पे क्लिक करने के साथ ही थोड़ा सा इंतजार, और यहाँ पे आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा loanpower.in का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों के सामने खुल के आ चुका है। अब जैसे ही आप लोगों के सामने यहाँ पे पूरी की पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको पता है कि ये जो साइट है इसके बारे में हम लोगों ने अभी रिसेंटली बात की भी थी। अब यहाँ पे आपको सभी तरीके के लोन मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे बैंकिंग फैक्ट्री या फिर कह सकते हो कि बैंकिंग रिलेटेड ही लोन्स ले सकते हो, या फिर कहीं प्राइवेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म से लोन ले सकते हो। सभी टाइप के जितने भी दुनिया भर में फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोगों को लोन सर्विसेज का आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है, वहाँ से आप जो है यहाँ से लोन अप्लाई
अप्लाई करने के सारे मेथड्स को जान सकते हो। तो अभी टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कि यूको बैंक से हमें पर्सनल लोन लेना है तो वो कैसे लेंगे। तो लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार का ऑप्शन है, जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको अलग अलग लोन के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको बैंक लोन का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही बैंक लोन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, बैंकिंग रिलेटेड अब आप लोगों के सामने जो है आर्टिकल्स आ जाएंगे। अब बैंकिंग रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूको बैंक के बारे में एकदम ईजिली तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एक अकेला बैंक नहीं होता, बैंक बहुत सारे हैं और उन बैंक में आपको तकरीबन 5 से 6 जो है मैक्सिमम यहाँ पे सिर्फ कॉमन लोन्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा उसके इनिशियली क्या क्या है वो तो अंदर की बात है। तो ऐसे में आपको यूको बैंक को पर्टिकुलरली फाइंड करने के लिए उसको सर्च करना पड़ेगा। राइट साइड में सर्च बार है, आपको सिंपली इस पर जो है क्लिक करना है। इसके बाद जाके आपको सिंपली सर्च करना है यूको बैंक। अब इससे क्या होगा कि अब आप लोगों के सामने जो है सिंपली अब यूको बैंक से रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे, जैसे कि वेट, और यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है यूको बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, सेकंड इज यूको बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले और पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें। तो सिंपली हमारे इस वीडियो का जो है मेन कंटेंट भी यही है, कहीं ना कहीं मेन सब्जेक्ट भी यही। तो सिंपली आपको जो सेकंड वाला आर्टिकल है इस पर क्लिक करना है और आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा यूको बैंक से आप लोग पर्सनल लोन कैसे लोगे और कैसे अप्लाई करोगे। तो जाहिर सी बात है आर्टिकल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन जो है यूको बैंक से लोन अप्लाई करने के बारे में ही जानने को मिलने वाली, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन रुको, कहीं ना कहीं लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि आपको जो 3 सवाल है जो कि आप लोग पूछ रहे हो कि लोन कितना मिलेगा, लोन कितने दिनों के लिए मिलेगा और कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, ये तो सवाल बहुत कॉमन है जो कि आज की डेट में हर कोई पूछता है। लेकिन ऐसे कई सारे सवालों का जवाब भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो भी कोई यहाँ पे कस्टमर लोन ले रहा है उससे काफ़ी सारी चीज़ें बताई नहीं जाती है, जैसे कि आप लोगों ने हिडन चार्जेस के बारे में सुना होगा। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देते हो, सभी टिक मार्क कर देते हो, आप उसको टिक करते वक्त ये नहीं देखते हो कि आपको जो है आपने कौन कौन सी चीज़ों पर टिक मार्क किया है, और कहीं ना कहीं ये गलती बन जाती है जो कि आप पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को सही से नहीं भरते हो। और मतलब भरने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है कि जब आपके हिडन चार्जेस के अमाउंट जब कटने लग जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का समाधान यही है कि आपको उससे रिलेटेड पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिससे आप लोग हमेशा यहाँ पे सतर्क रहें। तो ऐसे में इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको सारी बात देखने को मिल जाएगी। जो आप बेसिक सवाल चाहते हो वो भी है, आप लोग लोन कैसे अप्लाई करोगे वो भी है, टैक्स फॉर्मेट में जो जाते हो वो भी है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस वेबसाइट में यहाँ पे आने का मेन रीज़न यही है कि आपको सबसे पहले जो है सारी इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। अब यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज बैरियर्स को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज में इसको आप लोग ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर आप क्षेत्रीय भाषाओं को समझते हो तो उन क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसको ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हो। मेन मुद्दे की बात यह है कि अब आपको यूको बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए यूको बैंक के ऑफिशियल वेब प्लेटफॉर्म पर पहुंचना होगा, जिसके लिए आपको ये जो अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही है इस लिंक पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने खुल के आ जाएगा यूको बैंक का ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे हमारे सामने जो है यूको बैंक का वेब पोर्टल सेक्शन खुल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ खुल के आएगा यहाँ पे यूको बैंक का ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन, जो कि पर्सनल लोन का वेब पोर्टल सेक्शन खुल के आ जाएगा। और अभी हम लोग जो है पर्सनल लोन के मेन सेक्शन पर ही हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने शुरुआत में वीडियो के इंट्रो में कहा था कि जिनका अकाउंट है वो क्या करेंगे और जिनका अकाउंट नहीं है उनको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए आपका अकाउंट होना नीडेड है। तो ऐसे में लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको होम का सेक्शन मिलेगा और नीचे आप जाओगे तो डिजिटल का एक ऑप्शन मिलेगा, जिससे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिनका अकाउंट यूको बैंक में इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एक्सेस है वो सिंपली लॉग इन कर सकते हैं, और इसके अलावा जिनका अकाउंट नहीं है, जो एक न्यू यूजर है, यहाँ पे निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर आपका अकाउंट यूको बैंक में नहीं है पर किसी दूसरे अकाउंट में है तो आप लोग जो है उसके बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जो है पर्सनल लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेंटली आपको चीज़ के लिए मिलेगा, लेकिन प्रोसेस में आपको आगे समझाऊंगा। तो ये कुछ बातें हो गई हैं, अभी बात करते हैं यहाँ पे पर्सनल लोन के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पर्सनल लोन जो है देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको पर्सनल लोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। और सीधा अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल लिंक भी है, लेकिन इस अप्लाई नाउ के ऑफिशियल लिंक आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप लोग यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करते हो, चाहे फिर इसके अलावा बात करते हैं या यूको कैश की, जहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे यूको बैंक के जो पर्सनल लोन के जो अंदर जो है आपको काफ़ी सारे जो है वेरियंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे पहला जो वेरियंट्स है वो यूको कैश का है, जहाँ पे साफ साफ यहाँ पे कि यहाँ पे आपके 2 साल की जो है आप जो है कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल वर्क में काम करने वाले में से एक होने चाहिए, जो कि जो बंदा लोन ले रहा है उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने आप को क्लैरिफाई करना पड़े। अब यहाँ पे आपके पर्सनल लोन से रिलेटेड देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सभी टाइप के पर्सनल लोन की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और यहाँ पे आपके इनकम क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और साथ में क्वांटम ऑफ लोन क्या है। हालांकि जितनी भी बातें बताई है ये सारी के सारे मैंने अपने आर्टिकल में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ को पढ़ने की दोबारा नीड है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी सहूलियत के लिए इसको आपको पूरा पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे किसी भी लोन को लेने के लिए साफ यहाँ पे बोला गया है कि फॉर मोर डिटेल्स टू कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट ब्रांच, यानी कि सिंपली सी बात है जो एक नया यूजर जो है, जो कि बिल्कुल किसी का मतलब कह सकते हो कि एक यूको बैंक में जो लोग यहाँ से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, एक तो एग्जिस्टिंग
कस्टमर है लेकिन उनका अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एक्सेस नहीं करता, और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक न्यू कस्टमर है जिनका अकाउंट यूको बैंक में है ही नहीं लेकिन वो तब भी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फॉर्म की नीड पड़ेगी, और जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो आप लोग जो है यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है आपको कहीं ना कहीं जैसे देख सकते हो या कि हम यूको कैश को समझ रहे हैं, तो ये एक यूको कैश जो है ये पर्सनल लोन के इनके क्राइटेरिया में से एक है। तो आप लोग यूको कैश को कैसे किस तरीके से अप्लाई कर पाओगे और उसको एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाने वाला हूँ। और बात रही यहाँ पे कि एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यूको बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा जो कि यूको कैश लोन स्कीम्स के हिसाब से ही आपके सामने देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों ने अभी देखा यूको कैश पर्सनल लोन के हिसाब से। अब यहाँ पे जो आपके लिए जो ये पर्सनल लोन का एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा है तकरीबन 6 पेज का देखने को मिलेगा, लेकिन सिंपली यहाँ पे आपको जो है पूरी चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे लोन पर्टिकुलर आपके लोन लेने का कारण बताना पड़ेगा, लोन लेने के एक्सपेंडिचर बताने पड़ेंगे, मार्जिन ऑफर बताना पड़ेगा, और साथ ही बताना पड़ेगा टेन्योर इंटरेस्ट आप किस बेसिस पे ले रहे हो, जो कि आप जो है यहाँ पे आप अपने जो है एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। सपोज करो कि कोई एक सैलरीड बेसिस का बंदा है, उसकी मंथली सैलरी 20-30,000 के बीच में, तो यहाँ पे वो जो है किस टाइप के वो होम लोन्स को अप्लाई कर सकता है वहाँ पे यूको बैंक में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो आर्टिकल में भी दिया हुआ है, और इसी के साथ में सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म को पूरे जो है इसको प्रिंट आउट मोड में निकलवाना है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको आर्टिकल में पता चल जाएगा उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कलेक्ट करना है न्यू यूजर को भी, और सिंपली जो है सब कुछ कलेक्ट करके अटैच करके जो है आपको नियरेस्ट यूको बैंक के ब्रांच में जाना है। तो जिनका अकाउंट एकदम नया है, मतलब कह सकते हो कि जिनका अकाउंट है ही नहीं, उनको सबसे पहले वहाँ पे जो है पहले एप्लीकेशन फॉर्म को देने के साथ में जो है आपको अपने अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और जिनका अकाउंट ऑलरेडी है उनको एप्लीकेशन फॉर्म के में फुल सारी चीज़ को सही से फील्ड्स को जो है फिलअप करके सही डिटेल्स को फिलअप करके सही डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके जो है अपने नियरेस्ट यूको बैंक के ब्रांच में सबमिट कर देना है। और कुछ यही प्रोसेस है जिसको आप लोग इजिली फॉलो करके जो है यूको बैंक से पर्सनल लोन इजिली अप्लाई कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आ गई हो, और अगर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कॉमेंट्स में जरूर पूछे, और टेलीग्राम पर भी जाकर पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर तो मैं आपको तुरंत जवाब दे दूँगा। और अगर आपको ये यूको बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए पर्सनल लोन वाला, तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक जरूर कर लें। बाय।